अब है हमारा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। जब हम एक स्लैब में रेज को पास करते हैं तब उसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, उसमें हम रिफ्रैक्शन देखेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसा होगा और उसके हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कुछ फॉर्मूला निकालेंगे और देखेंगे कि उसका डेविएशन कैसा हो रहा है, कितना डेविएट कर रहा है, कितनी डिस्प्लेसमेंट उसमें हो रही है। तो बच्चों ये एक स्लैब है और इस स्लैब का ये मीडियम है, ये मीडियम है बच्चों। यहां से हम रेज को इंसर्ट करते हैं, यहां से हम रेज को पास करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। इस रेज का नाम देंगे हम लोग इनकमिंग रेज, इनकमिंग रेज जो किसी सोर्स से ही लाइट आ रही है। जब ये लाइट यहां पर पहुंचती है चलते चलते तो यहां पर इसको एक इंटरफेस मिलता है, वो इंटरफेस पर हम एक नॉर्मल बनाते हैं और इस नॉर्मल पर ये लाइट, अगर ये लाइट ध्यान दीजिएगा ये एक नॉर्मल है ऐसे, ये लाइट अभी जिस मीडियम से आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, मीडियम म्यू वन है एम वन, ये मीडियम है एम टू जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। बच्चों अगर ये दोनों मीडियम सेम होता तब ये लाइट यहाँ से ऐसे सीधी निकल जाती विदाउट गोइंग एनी डेविएशन। मीडियम अगर सेम रहेगा तो ये लाइट ऐसे सीधी निकल जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मीडियम हमारा म्यू टू है, ये मीडियम म्यू वन है, ये हमारा भारी मीडियम है, ये हल्का मीडियम है। इस मीडियम का नाम हमने रेरर मीडियम रखा हुआ है और जो मीडियम भारी होता है एज कम्पेयर टू उसका नाम हम लोग डेंसर मीडियम रखते हैं। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स हमेशा रेरर मीडियम के पार्टिकल से भारी होते हैं। अब बच्चों अगर ये दोनों मीडियम सेम होता तो ये लाइट ऐसे सीधी निकल जाती, लेकिन जैसा कि ये भारी मीडियम है रेरर से डेंसर जा रही है तब ये लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी और ये लाइट बैंड होकर के ऐसे आती ऐसे। अब दूसरी फेज पर इसको दोबारा एक इंटरफेस मिलता है। अब इस इंटरफेस के बाद इसको जो मीडियम मिलने वाला है वो वही मीडियम होगा जो मीडियम हमारा इधर है म्यू वन है। अगर ये भी मीडियम और ये मीडियम सेम होता तो फिर ये लाइट यहाँ से सीधी निकल जाती कुछ इस तरीके से। बच्चों यहाँ पर हमने एक और नॉर्मल बना लिया कुछ इस तरीके से, ये नॉर्मल है। अब जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है और ये लाइट बैंड होकर के ऐसे चली गई, जो पहली वाली रेज की कैसी जा रही है पैरेलल जा रही है कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। ओके, सो दिस रेज इज रिफ्रैक्शन, दिस इज नॉर्मल, तो इसके बीच बनने वाला एंगल होगा आर और इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल होगा आई। ये आई है तो ये पूरा एंगल कितना होगा आई, ये पूरा एंगल हमारा आई, तो ये वाला एंगल बच्चों ये वाला जो एंगल होगा वो होगा आई माइनस आर। ध्यान दीजिए ये पूरा एंगल हमारा आई, ये पूरा आई, ये पूरा आई वर्टिकल अपोजिट एंगल के फंडामेंटल रूल से, ये पूरा आई, ये आई, ये आर नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन का बनाया गया एंगल आर होगा, ये आर एंगल और ये पूरा आई एंगल, तो ये एंगल जो बचेगा वो होगा आई माइनस आर। ओके, अब यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां से ये रेज ऐसे पैरेलल जा रही है जो हमने ये इसका इमेजिनरी लाइन बनाया है देख रहे हैं आप। इस इंटरफेस ने इस रेज को 10 डिग्री नीचे बेंड कर दिया और इस इंटरफेस ने 10 डिग्री इसको ऊपर बेंड कर दिया, तब हम ये कहेंगे कि लाइट हमारी बैंड नहीं हुई आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन, पहली रिफ्रैक्शन में लाइट 10 डिग्री बैंड होती है नीचे की तरफ, दूसरी रिफ्रैक्शन में लाइट 10 डिग्री बैंड होती है ऊपर की तरफ, जिसके कारण ये लाइट पैरेलल हो जाती है।
तो इनिशियली अगर ये मीडियम और ये सेम होता तो ये लाइट इधर जाती, लेकिन जैसे रास्ते में ये वाला मीडियम आया तब हमने क्या देखा कि ये जो हमारा रेज जा रहा है इस रास्ते में रेज ना आकर के लाइट इतना बेंड हो गया, इतनी रेज, इतना पार्टिकल, ये जो लाइट के जो पार्टिकल जा रहे हैं, ये जो रेज जा रही है, ये रेज यहाँ से इतना डिस्टेंस पर बेंड हो गई। ये वाला जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट का नाम हम लोग रखेंगे लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है बच्चों? जैसे अगर मान लीजिए ये हम, ये अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, अब यहाँ से हम 2 कदम ऐसे चलते हैं, तो पहले हमारा पोजीशन ये था, अब हम इसी के पैरेलल यहाँ पर आ गए, तो ये जो शिफ्ट हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। जैसे आप मिरर में अपने दाहिने हाथ को देखते हैं, तो दाहिना हाथ आपके मिरर में, दाहिना हाथ ये है मिरर में, आपको दाहिना हाथ यहाँ दिखाएगा, तो ये वाली शिफ्ट ये बन गई, तो इस वाली शिफ्ट का नाम देंगे हम लोग लेटरल शिफ्ट। और जिस शिफ्ट में सिर, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका फेस ऊपर है और मिरर में वो नीचे दिखा रहा है, ये जो शिफ्ट है उसको नाम देंगे वर्टिकल शिफ्ट। तो 2 तरह की शिफ्टिंग होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और एक होता है सॉरी लेटरल शिफ्ट, और दूसरा होता है वर्टिकल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट में हमेशा पैरेलल शिफ्टिंग होती है और वर्टिकल शिफ्टिंग में इन्वर्टेड शिफ्ट होता है, इन्वर्टेड बोले तो उल्टा। ओके, अब ये बच्चों यहाँ से ये बॉडी यहाँ पर जो शिफ्ट हुई है, हम ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं कि ये कितना डिस्टेंस में ये शिफ्ट है, कितना डिस्टेंस आखिर यहाँ से कितना दूर पर इसकी शिफ्टिंग हुई है। तो उसके लिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक की हमने लेंथ को मान लिया एल, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हमने मान लिया एल। एल इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब वेयर एल इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। बच्चों आप इसको टी भी मान सकते हैं, बहुत सारे राइटर इसको टी लिखना पसंद करते हैं, हमने इसको यहाँ पर एल लेट कर लिया है, आप कंफ्यूज ना रहे। यहां से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहां से ये रेज जा रही थी पी क्यू, क्यू से आर, आर क्यू एस, पी क्यू आर एस, ऐसे लाइन बेंड होकर सीधी हुई है। इसका नाम हमने दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं बच्चों, इसका नाम हमने दे दिया एम। सो एम आर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से पहले जाना इधर था लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो उसके पास एक डायरेक्शन है जिसके कारण हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और ये इसके पैरेलल है इसलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एम आर यहाँ पर क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमें ये बताता है कि ग्लास स्लैब के बीच में आने से रेज अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना डेविएट हुई है, कितना बेंड हुई है, कितना झुकी हुई है, उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे, जिसको आप भूलिएगा नहीं, ये आई माइनस आर है। तो बच्चों ये देखिए साइन आई माइनस आर को हम क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल क्यू एम आर में, इन ट्राइंगल क्यू एम आर में अगर मुझे साइन आई माइनस आर लिखना हो तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? एम आर, और हाइपोटेन्यूस क्या है? क्यू आर। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऐसे। अब बच्चों इस ट्राइंगल में देखिए क्यू एन आर में, इन ट्राइंगल क्यू एन आर में कॉस आर बराबर होता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस हम दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, तो वो दोनों कैंसिल होकर के हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाएगी। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस, बेस बेस में हमारा है एल और हाइपोटेन्यूस में आएगा क्यू आर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन।
अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से हमें एम आर फाइंड करनी है, क्योंकि एम आर क्या है, एम आर एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही हमें फाइंड करनी है। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। आप इसको देखिए, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर अगर हम करते हैं बच्चों, तो एम आर अपॉन क्यू आर, एम आर अपॉन क्यू आर, और ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन एल, एम आर अपॉन क्यू आर, और ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन में एल। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम आर की जो वैल्यू मिलेगी हो जाएगा एल साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ये है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये वाली चीज़ होती है कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पर ये लाइट पैरेलल जा रही है। तो आंसर एल एफ आर, एम आर डिस्टेंस पर लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते के पैरेलल जा रही है। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एल। L ये चीज है बच्चों, थिकनेस, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। अगर आप इस थिकनेस की लेंथ बढ़ा देते हैं तो L चेंज नहीं होता, और अगर L चेंज नहीं होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर हम इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को बदलना चाहते हैं तो हमें इस L को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसकी चौड़ाई बढ़ा देता हूँ तो L क्या होगा, बढ़ जाएगा। L के बढ़ने से हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इस चौड़ाई को ऐसे कर दूँ तो ये वाली जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ये इसका ओरिजिनल रास्ता, यहाँ से ये ऐसे बढ़ेगी, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों जब हमें L बदलना हो तो आप इस स्लैब की ब्रेथ को बदलेंगे, जब L को कम करना हो तो आप इसकी ब्रेथ को कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की होगी वो बदल जाएगी। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपने देखा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन कैसे करें।